बताइए कि जो फजर की नमाज है उसका या नमाज का फ़ायदा क्या होता है, फजर की नमाज स्पेशली? अरे तो फायदा की वजह तो पढ़ते नहीं है। हाँ ठीक है, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, लेकिन तो इसको बहुत जो है नमाज से निकाल दें आप। एक वक्त सोचे कि नमाज नहीं है तो आपको किसी ने कहा है कि सुबह रोज उठ गए अगर सनराइज पर तो जस्ट होल फीलिंग जब सनराइज हो सूरज आपके घर बीच में बीचेस ऑफ स्पेन के बीच पर आप बना रहे हैं, आप पर्दे खोलते हैं वो लाइट थोड़ी सी ग्लिमर हो रही है उस वक्त ख़राब उठ रहा है। नॉट के 12 बजे धूप चल रही है, शोर शराब हो रहा है, ट्रैफिक आवाज़ है, आप उठ रहे हैं उस वक्त समय। पहले तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये, यू नो हाउ मच सेरेनिटी इट गिव्स यू, आप सिर्फ सुबह सुबह उठ रहे हैं, जस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग यू गेटिंग अप, इट स्टार्ट्स विद दैट। सेकेंड थिंग, पहले ही आप उठते हैं ये आप करते हैं, देखें That's what you do. It's a stretching yoga. फिर आप यू करें कि थोड़ा सा बैठे और दिन को याद करते हैं क्या करेंगे, कल मैंने क्या किया था। ये लोग इंडिया में इसको कहते हैं योगा, अमेरिका में कहते हैं मेडिटेशन, और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन दुनिया में कहती है इसको नमाज। थैंक यू जैन भाई। आपको जो है ना सेल्स में जब आप एक ग्लास लें, 7 अप है, जब मैं सुबह यूँ करता हूँ ना, एक ड्रिप इसका नीचे जाता है मेरे स्पाइन पर, यार ऐसा जगाता है मुझे, हर बोन मेरी जो है ना उड़ जाती है। आप सो रहे होते हैं, सो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुल चुका है क्योंकि मैं 3 घंटे पीछे हूँ कैलिफोर्निया। अब औरों का नहीं पता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो नमाज यह है कि मैं 3 घंटे आपसे पहले निकल जाता हूँ क्योंकि मैं जाग चुका हूँ, रेडी फॉर द वर्ल्ड, entire world ke liye I'm just ready, that's what it is, it gives me sit down, think about the world and I'm awake, I'm alive, up and ready to take the world by charge, it's for me, it's not for anybody else.